बोल दिया, दोनों के साथ ये सीट उसी कीमत में फ्री में साथ पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर से बनाई गई मशीन है, बाहर से इकट्ठे किए गए पुर्जे नहीं है। भाई की मशीनों की सच्चाई हमें होनी चाहिए, हमें मालूम होनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आज मैं फिर से आई हूं पंजाब, और आज मैं आई हूं राजा एंटरप्राइजेज एस राजा भाई साहब के पास में। और अभी धान का सीजन चल रहा है, धान कटाई का सीजन, ऐसे समय में रीपर पे बात ना हो, रीपर पे वीडियो हम ना बनाए, नई नई जानकारी ना लाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले रीपर की अभी समय चल रहा है, धान कटाई का समय है, तो कोई ऐसी मशीन दिखाइए बिल्कुल यूनिक, घंटों का काम मिनटों में करने वाली मशीन बताइए। मैं मशीन ही उस प्रकार की बहन जी बनाता हूँ जो मशीन घंटों का काम मिनटों में करती है, और जो मिनटों में भी कार्य होता है, और पूरा परफेक्ट और पूरे तरीके से होता है। किसी भी किसान को कभी कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। मुझे ये बताइए एस राजा भाई साहब कि रिपर बहुत हैं, बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, डेमो भी दिखाती हैं जी, लेकिन आपकी मशीन में ऐसी क्या खासियत है वो मुझे बताइए और मुझे लाइव भी दिखाइए। देखिए खासियत है वो चलाने के बाद पता चलेगी जी। बताना चाहूंगा कि जो इसमें इंजन हमने लगा रखा है जी, ये कंपनी के अंदर से बना हुआ 8.5 HP का टर्बो इटालियन का इंजन है। ऐसा नहीं है कि ये इंजन बाजार से खरीदा और चिपका दिया इस पे, यहाँ तक कि ये रीपर भी जो बना हुआ है ये भी कंपनी के अंदर से एस राजा ब्रांड रजिस्टर्ड के साथ ये कंपनी के अंदर बना गया है, ये दो चेन के साथ उपलब्ध है जी। ये देखिए किसान भाइयों, बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये कहीं से लिया हुआ है, कोई कागज नहीं चिपकाया हुआ। देखिए कागज भी चिपकाने पड़ते हैं, लेकिन अगर कागज भी उतार देंगे, स्टिकर उतार देंगे, तो ये जिंदगी भर ना उतरेगा, ना खराब होगा, ना ही इसमें कोई दिक्कत आएगी जी। तो शुरुआत हो जाए पहले डेमो से कि ये मशीन कार्य कैसे करेगी। बिल्कुल जी, स्टार्ट करिए बेटा और कार्य दिखाइए। देखिए बात ऐसी है बहन जी, हम ये दिखाना चाहते हैं कि रीपर जब एक बार खेत में चला गया तो उसे कभी भी वापस लेने की जरूरत नहीं है, चलते जाइएगा और काटता जाएगा रीपर, और कभी भी इसे वापस बैक गियर लगाने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी, और पूरे का पूरा खेत और भी मिनटों में ये कट जाएगा। घंटों का काम इसे मिनटों में बोला जाता है जी। जो कटाई का सिस्टम है आप पूरा ऐसे देखेंगे तो ये एक समान जड़ के नीचे से काटता है, मात्र ये एक उंगली जिसे हम बोल सकते हैं जी, मात्र एक उंगली, बिल्कुल क्लीन तरीके से। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं गिरा हुआ, इतनी सफाई से काम बहुत मुश्किल देखने को मिलता है। और एक बात आपको और भी दिखाना चाहूंगा, शायद आप भी महसूस कर रही होंगी ये खेत बारिश के कारण थोड़ा गीला हो गया है, मिट्टी भी पूरा चिकना है इसका, काला मिट्टी है, फिर भी इसकी कटाई में किसी प्रकार का आपको कोई दुविधा या कोई परेशानी मेरे किसान को नहीं आई। तो पहले इसके टायर और मशीन की और भी खासियत जान लेते हैं किसान भाइयों, आइए। बिल्कुल जी बिल्कुल। किसान भाइयों टायर देखिए, अगर बारिश हो गई कीचड़ है तब भी ये टायर फिसलेंगे नहीं। ये कीचड़ का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, यहाँ पे कीचड़ से ये टायर भर गया है, और इसकी मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसकी जो गुड्डी है इसकी, जिसे बोलते हैं दंते ट्रैक्टर के टायर के, वो तकरीबन ट्रैक्टर जितने बनाए गए हैं, ताकि ये पूरी चिकनी मिट्टी में या गीले खेत में या ऊपड़ खापड़ खेत में भी ये अंदर धसेगा नहीं, और ये काम पूरा पर्याप्त करेगा। मुझे एक चीज बताइए, ये पट्टे में है या चैन में है? ये चेन का बना हुआ है जी, इसमें दो चेन इस प्रकार से लगाया गया है, इसे ये प्रॉपर ढंग से कार्य करता है, इसे घुमाता है, फसल को नीचे का ये ब्लेड काटता है, कंची से भी ज़्यादा फास्ट काटता है, और उसके बाद ये फसल को अंदर लेके यहाँ से ये फिरकी इसको बाहर निकालता है, ये प्रॉपर कार्य है जी।
अभी ऐसा तो है नहीं कि केवल एक खेत के लिए किसान भाई परचेज करेगा, कमाना भी चाहे किसान भाई थक जाएगा ऐसे तो सारे दिन चलते चलते जी, उसकी उसके लिए क्या व्यवस्था की आपने मुझे वो बताइए। केला थक नहीं जाता जी, जब एक खेत से दूसरे खेत जाना होता है तो दूरी कई बार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की होती है, बैठ के किसान वहां से वहां तक जा सकता है और बैठ के ही पूरे ढंग से इसे खेत को काट भी सकता है। आज लाइव डेमो आपको काटने का वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल जी, गजब हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो नवरात्रों के दिन में सीट नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी जी। बिल्कुल जी, एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसान भाइयों, रीपर है, मशीन है, सीट है, बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही सुपर लग रही है इसकी, लेकिन कार्य और कैसे करेगी वो आगे देखेंगे, अपन लाइव देखेंगे। जैसे आदमी चल के काटता है, मेरा किसान भाई भी, मेरा फार्मर भी उसी प्रकार से इसे बैठ के काट पाएगा, कोई असुविधा नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, चलेगा और बेहतर तरीके से चलेगा। ये तो आपका बिल्कुल बहुत ही गजब तरीके से कार्य कर रही है, लेकिन जैसे कुछ किसान भाई है कि नहीं पेट्रोल में नहीं हमें डीजल में चाहिए, वो भी सुविधा आपने की है किसान भाइयों के लिए? हर सुविधा की है जी। इससे पहले मैं आपको 2 बातें कहना चाहूंगा जी। हाथ से काटते हैं तो ऊपर खड़ा होके इसे यहाँ से काटते हैं, बिल्कुल, तो इतना बड़ा तना ऊपर जे रह जाता है। अगर कंबाइन से काटा जाता है तो इसी का ये कम से कम इतना ऊपर से रह जाता है। इसको कई राज्यों में जलाया जाता है, कई राज्यों को इसको बहाया जाता है, कई राज्यों में दोबारा इसको नीचे से काटना पड़ता है, तो दूसरा और तीसरे किस्म का यहाँ पे मेहनत लगता है। एक ही बारे में संपूर्ण कार्य होगा, जड़ से काट के नीचे से देगा और किसी भी किसान को असंभवता या किसी भी कार्य को दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से आपको डीजल का भी दिखाएंगे जी। जी तो एस राजा भाई, ये मशीन तो आप ले आए, ये मुझे उससे बड़ी लग रही है, उससे अंतर क्या है? बहन जी, इसमें 3-4 प्रकार के अंतर हैं जी। सबसे पहला अंतर है जिसमें जो इंजन लगा है वो डीजल इंजन प्योर ग्रीव्स का लगा है, जो ग्रीव कंपनी से निकल के सीधा हमारी कंपनी तक पहुंचता है। 5 HP का जो इंजन है, मैं दिखाना चाहूँगा, हर मशीन पे ये प्रॉपर ग्रीव्स का प्लेट लिखा रहेगा, पावर लिखा रहेगा, यहाँ तक कि इसका सीरियल नंबर भी लिखा रहेगा, कहीं से भी ये नहीं होगा ये ग्रीव्स का ओरिजिनल नहीं है, और 1-2 जगह पे ये खुदाई में भी ग्रीव्स इसका लिखा रहेगा जी। उसके बाद इसका जो टायर का डिज़ाइन है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये मशीन भारी हो जाता है, भारी होने के कारण इसमें जो टायर हैं ये अलग तरीके के बनाए गए हैं और बड़े बनाए गए हैं। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखे हैं कि कोई भी छोटा मोटा पावर वीडर या पावर टीलर लिया, अटैच करके रिपर और बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर देते हैं कि हाँ जी ये धान कटाई की मशीन है और बहुत अच्छा कार्य करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मशीन अगर आपको अच्छी क्वालिटी देखनी है तो ये देखिए, सुपर क्वालिटी, बिल्कुल ही लुक ही बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है जी। जैसे अपन देखते हैं कि हर क्वालिटी छोटी छोटी चीजें हैं, हम बारीकी से नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ लाइव, आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखिए रस्सी, देखिए कितनी मोटी रस्सी है। लेकिन मुझे एस राजा भाई ये बताइए कि क्या ये मशीन, जैसे हमारे राजस्थान में एक कहावत है जी कि शादियों के गीत सच्चे नहीं होते, सारे गीत सच्चे नहीं होते, ऐसा तो नहीं है कि इस बार एक साल धान कटाई हो गई ब्लेड वगैरह सारे अगली बार चेंज करें या मशीन सिर्फ शोपीस के लिए खड़ी हो जाए? राजस्थान में कहावत और भी बड़ी मशहूर है जी, जी वहाँ का बाटी चूरमा पूरे राजस्थान में कहीं से नहीं मिलता। वो कहावत ना झूठी है ना उसे कोई झुठला सकता है। उसी प्रकार से रस एस राजा के अंदर कंपनी राजा एंटरप्राइजेस से बनी मशीनें ना झूठी हैं ना फ्रॉड हैं। वो मशीनें उसी प्रकार बनती हैं जैसे राजस्थान की बाटी चूरमा है, चूरमा बाटी है, ये वही चीज है। तो सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं एस राजा राजा एंटरप्राइजेज। बहन जी एक बात और भी बता दूं आपको, यहाँ पे जो लिखा है एस राजा ब्रांड राजा इंटरप्राइजेस कंपनी रजिस्टर के नाम से, ये लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये कंपनी के अंदर से बनाई गई मशीन है, बाहर से इकट्ठे किए गए पुर्जे नहीं है, मिटाने से भी ये मिट नहीं पाए। कंपनी का बहन जी कोई भी मशीन रहेगा पहली ही रस्सी में स्टार्ट होगा, चाहे वो डीजल का है चाहे वो पेट्रोल का है, किसी भी प्रकार का मशीन। ऐसा
राजा भाई मान गए आपकी मशीनों को, दोनों ही मशीनों को मान गए। ये देखिए अभी डेमो के लिए यहाँ पे अभी हमने कटाई कम की है, लेकिन बिल्कुल लाइन देखिए आप कितनी शानदार तरीके से लाइन जचा है। इस तरीके से अगर मैन्युअली कोई मजदूर काटता या हम भी काटते तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपकी मशीन की क्या राज है, इसके पीछे राज क्या है वो बताइए मुझे। राज है जी टेक्नोलॉजी, राज है मेहनत, राज है स्टाफ की लगाई इस पे खून पसीने की मेहनत, कि हर किसान के घर पे जाके ये मशीन बेहतरीन कार्य और बेहतरीन रिजल्ट दे सके, के परिवार को खुशहाली प्रदान कर सके। बहुत ही दिए देखिए, जबकि गीला है, कीचड़ है, रात को बारिश हुई है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफाई देखिए किस तरीके से करते हुए बनाई है। बहुत अच्छे से यहाँ पे कटाई हुई है। ये बताइए मुझे, आपकी मशीनें केवल धान की कटाई करेंगी या और भी फसलें, जैसे केवल धान के लिए कहीं सजा के रखें कि भाई नेक्स्ट ईयर की वेट करें कब धान की फसल आए और हम इस मशीन को यूज करें, ऐसा तो नहीं होगा? जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर किसान इसे अकेला धान ही करेगा, गेहूं तो उसके लिए फिर उसे अलग मशीन लेनी पड़ेगी, बाजरे के लिए उसे अलग लेनी पड़ेगी, ये सूरजमुखी भी काटेगी, ये सोयाबीन भी काटेगी, ये सरसों भी काटेगी। बहन जी हर प्रकार की फसल काटने में ये पूरे समर्थ और सक्षम है, इस मशीन से कोई भी फसल अच्छी प्रकार से कट सकती। तो भाई साहब ये भी आप कंप्लीट कर ही दीजिए, लीजिए, ताकि सफाई का पता चल जाए क्लियर किसान भाइयों को कि कितनी सफाई से काम। बिल्कुल जी बिल्कुल। पूरा 4 फीट का दूरी कवर करेगा जी, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 4 फुट से 1 इंच भी कम कर गया। यह छोटा सा खेत हमने 2 रिपरों के साथ काट के दिखाया, सीट के साथ काट के दिखाया, तो इतना सा समय लगा है 5-4 मिनट का, लेकिन इतना खेत अगर सही तरीके से किसान ने प्रॉपरली काटना हो बिना रुके तो ये मात्र 2 मिनट का ही कार्य है। किसान भाइयों ये देखिए, बीच में इसीलिए मैंने कटवाया है कि एस राजा भाई की मशीनों की सच्चाई हमें होनी चाहिए, हमें मालूम होनी चाहिए। ये देखिए ये सच्चाई, इसीलिए मैंने आपसे बीच से कटवाया कि सच्चाई मालूम चलनी चाहिए किसान भाइयों को। सच्चाई ये है जी, यहाँ पे मट्टी पूरी चिकना है, पानी है, और यहाँ पे एक समान सारा फसल काटा गया है, नीचे से ऊपर तक और आगे से पीछे तक, कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। अगर ये खेत पूरा सूखा रहेगा तो इसकी कटाई इससे और भी अच्छे और बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो ऐस राजा भाई इसके भी सीट लगा के दिखाई दीजिए मुझे, क्योंकि ये तो ज्यादा बड़ी मशीन लग रही है मुझे। चाहे मशीन डीजल का है चाहे पेट्रोल का है, दोनों में बहन जी सीट लगेगा, सिंपल कार्य। उसको अंदर कीजिए, एक पिन डालिए और सीट लग गया, कोई भी इसमें सुविधा का कोई भी चक्कर ही नहीं है जी। बहुत बहुत मुझे ये बताइए, मशीनें काम तो बहुत अच्छा कर रही है जी, लेकिन ये जैसा काम कर रही है कहीं उससे ज्यादा तेल खपत तो नहीं है इनकी? बहन जी बात ऐसी है, 1 घंटे में जो डीजल की मशीन है ये मात्र 700 ग्राम डीजल लेगी। 700 का मतलब 700 होगा, 750 नहीं होगा। और जो ये पेट्रोल की मशीन है ये 750 ग्राम लेगी, 750 का ग्राम 750 होगा, 800 ग्राम नहीं होगा। तो इनकी प्राइस फिर कैसे रखी? देखिए जी प्राइस बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है जी। जो ये अपना पेट्रोल का है जी, इसमें 8.5 HP टर्बो इटालियन का इंजन, 4 फीट का रिपर लगा के इसकी जो कीमत है 1,20,000 रुपया रहेगी जी। और उसके बाद जो ये डीजल का है इसमें 5 HP ग्रीव्स के इंजन के साथ और 4 ही फुट का इसमें रिपर लगा के इसका जो कीमत है 1,30,000 रुपया रहेगी। तो ऐस राजा भाई नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में कुछ तो किसान भाइयों की सेवा कीजिए, कुछ तो गिफ्ट दीजिए नवरात्रों में। पहला नवरात्रा, पहली वीडियो, तो इस नवरात्रे की इस वीडियो के लिए आपने बोल दिया पूरे देश के किसानों के लिए जे 15,000 का सीट, चाहे पेट्रोल का कोई भी रहे या कोई डीजल का रहे, दोनों के साथ ये सीट उसी कीमत में फ्री में साथ आएगी जी। जी 15,000 की गिफ्ट दे रहे हैं आप, तो सीट की बात कर रहे हैं जी? बिल्कुल, मैं पूरी सीट की ही बात कर रहा हूँ। सीट का एक मात्र पैसा नहीं लिया जाएगा, जो भी आपकी वीडियो का हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा उस वीडियो में आपकी वीडियो के माध्यम से हर जगह पे जो पूरे देश में सीट 15,000 की फ्री में साथ जाएगी। बिल्कुल किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी गिफ्ट है, जबरदस्त कार्य, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है, क्वालिटी बिल्कुल बिल्ड क्वालिटी, सुपर क्वालिटी है।
लेकिन जो आपने गिफ्ट दिए किसान भाइयों को खुश कर दिया जी। देखिए किसान खुश हैं तो हम खुश हैं, उसके बाद कंपनी खुश है जी। किसान भाइयों आपको अगर गिफ्ट भी चाहिए यानी कि ये सीट साथ में चाहिए, बैठ कर के काम कीजिए बिल्कुल जैसे ट्रैक्टर पे बैठ के कार्य करते हैं, गाड़ी में बैठ करके हम कहीं जाते हैं वैसे सीट पे बैठ करके कार्य करना है, तो इस वीडियो का अभी स्क्रीनशॉट आप एस राजा भाई के नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए और बार बार आप जानकारी लीजिए। आप लाइव जानकारी जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं वैसे भी जानकारी ले सकते हैं, आकर के भी आप खुद डेमो देख सकते हैं और बुक करवाइए, फटाफट बुक करवाइए। रीपर चाहिए अच्छी क्वालिटी का चाहिए, सालों साल तक चलाना है तो फटाफट आप बुक कीजिए। आपने गिफ्ट तो दे दिया, खुश कर दिया, क्वालिटी बहुत अच्छी दे दी, लेकिन जैसे कोई भी मिस्टेक हो जाए, किसान भाई की गलती की वजह से भी हो जाए, तो गारंटी वारंटी और बता ही दीजिए। कंपनी ने जी आज तक गारंटी ही दी है, हर किसान को गारंटी है, कुछ भी टूट गया फूट गया व्हाट्सएप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दें या नॉर्मल कॉल कर दें, बिल की कॉपी और सामान भेज दीजिए, जो टूटा फूटा है वो सामान उनके घर तक पहुंच जाएगा बिना कोई सवाल की। जी बिल की कॉपी यानी कि जो बिल आपको मिलेगा उसको जरूर आप एक साल तक संभाल के रखें, अगर आपको गारंटी की सुविधा लेनी है तो एक साल की फुल गारंटी रहेगी। इन दोनों मशीनों की ब्लेड वगैरह ये तो जल्दी से खराब नहीं हो जाएंगे, मेंटेनेंस क्या रहेगा इनका? बहन जी ना इनका कोई मेंटेनेंस है ना इनके ब्लेडों की कोई समस्या है, कोई भी किसान अगर दिन रात इसे काटता है, भाड़े पे काटता है, अपना काटता है, कम से कम 2 साल तो ये ब्लेड कहीं नहीं जाएंगे। मैं पूरा साल काटने की बात कर रहा हूँ, दोनों सीजन गेहूं और धान की, बीच में मकई बाजरा भी आता है, सारी फसलें काटे, 2 साल इसके ब्लेड नहीं जाएंगे। और 1 साल भर में कोई भी परेशानी आती है कंपनी उसे देगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि आज तक कोई किसान परेशान हुआ होगा कंपनी की वजह से। जी बहुत अच्छी जानकारी मिली यहाँ पे आकर के, ऐसी मशीनें पहली बार हम देख पा रहे हैं, इतनी क्वालिटी की मशीनें और इतने कम बजट में, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद।